15 को बसों ने भी यात्रा की है, 15 ग्यारह 2018 को, और पहली बार बसों के भी किए 15 7 2011 को, 2012 को, और दूसरी बार 17 11 2016 को, और तीसरी बार 15 11 2018 को वैष्णो देवी का यात्रा करके बम्बई पहुँचे हैं 3 महीना 21 दिन पर 17 जनवरी 2019 को, और इसके पहले 8 अप्रैल 2016 से लेकर 29 3 2017 तक 11 महीने 20 दिन रिक्शा से रनिंग किए, जिसमें 3 महीना रेस्ट और 8 महीना 20 दिन रनिंग में 11,000 किलोमीटर 18 स्टेट का भ्रमण किए। और पब्लिक को सेवा है कि पढ़ाई लिखाई करें, नशा पानी ना करें, टाइम बर्बाद ना करें, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, दीवाने ना बने। दीवाने को पागल लोग कहते हैं और दीवानगी में पढ़ाई नहीं होता, और हम चाहते हैं कि मैट्रिक के पहले सिनेमा ना देखें कृपया, और पढ़ाई बचपन में नहीं हो पाती है सिनेमा के कारण, टीवी चैनल के कारण, तो हम चाहते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख कर हिम्मत और मेहनत के बल पर अच्छा इतिहास बनाए, जैसे भगत सिंह अब्दुल कलाम अच्छा इतिहास बनाने की कोशिश करें, कितना भी माँ बाप का नाम रोशन हो अच्छाई में। और हम रिक्शा चालक ग्राम तेलुआ छपरा बिहार के रहने वाले हैं। हम 2006 में वैष्णो देवी ऑल इंडिया भगवान के दीवाने बन गए 2006 से, और 1982 के धर्मेंद्र जी के दीवाने थे कर्तव्य फिल्म देखकर छपरा बिहार में, और धर्मवीर 1935 के जन्म लिए, 1915 के जन्म लिए, 1995 में केवल कृष्ण देवल और धर्मेंद्र दिलीप कुमार के दीवाने 1948 में शहीद और आकाश फिल्म देखकर दीवाने हुए पंजाब में, और उनके दीवाने में हुए, और धर्मेंद्र 1987 में हम पढ़ाई, और 2019 में राहुल आएगा ध्यान रखना, और हम 2019 में राहुल आएगा। 1987 में उनकी कहानी मिली, हमने उनको मिलने बम्बई में दोबारा आ चुके हैं 17 जनवरी से, अभी कम से कम 1 महीना होने वाले हैं, उनके गेट पर भी गए, गेट वाच पर रात को 12 बजे भगाए कि बाबा हमारे नौकरी का सवाल है, आप हमारे गेट से 8 बजे रात से 8 बजे सुबह तक मत आना और भीड़ भर आओ। हमने ठीक है, हम आपके दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, या धर्मेंद्र चाचा के चरणों में पढ़ के जाएंगे, हम दीवाने रोड के हैं और पब्लिक के हैं, और धर्मेंद्र जी के 82 के दीवाने हैं, और धर्मेंद्र जी दिलीप कुमार के दीवाने से टेबल की नौकरी से हीरो बन गए, और हम उनके दीवाने में छपरा में 1985 से रिक्शा वाले बन गए। ऑल इंडिया करके हम अपना नाम अलग बनाना चाहते हैं, और पब्लिक का रिक्शा को बढ़ा के पढ़ाई करें, और जब तक धर्मेंद्र जी हमारे रिक्शा पर नहीं बैठेंगे तब तक मुंबई से बाहर कन्याकुमारी दोबारा जाने वाले हम नहीं हैं, उनके गेट पर हम मरने वाले हैं।